कोई भी फेस्टिवल रहा तो मुझे पता ही नहीं चला। दिवाली भी होती थी, उसके फटाके का आवाज सुनता था तो मैं कैंटीन में ही काम करता रहता था। सचिन तेंदुलकर सर ने मेरी वीडियोस देखी, मेरा गाना उनको पसंद आया, उन्होंने मेरे बारे में ट्वीट किया। मैं सचिन तेंदुलकर सर का मैं दिल से आभारी हूँ। तो जहाँ हमने आपको पहले ही बता दिया कि इंडियन आइडल अपने 11वें सीजन के साथ तैयार है, कई सारे स्ट्रगल सिंगर अपने सपनों को सच करने के लिए इंडियन आइडल का हिस्सा बन चुके हैं, और ऐसे ही एक हैरत अंगेज सिंगर दिवस की कहानी से हमने आपको रूबरू भी करवाया था। आ जाओ, कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिवस है सर। कहाँ से आए हो आप? झारखंड का रहने वाला हूँ। अरे वाह, काम क्या करते हैं आप? मैम, काम के बारे में मैं एक्चुअली बोलने में मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। मेरे कुछ सपने थे तो मैं उसको सच करने के लिए सर मैं घर से भाग के आया था बिना बताए। तो वहीं अब हम आपको बताएंगे इंडियन आइडल में आने के बाद दिवस की जिंदगी में क्या बदलाव आए और क्यों नेहा कक्कर ने दिवस को दिए 1,00,000 रुपए। जब मैंने ऑडिशन राउंड में परफॉर्म किया तो उसके बाद मुझे एक सबसे बड़ी पहचान मिली। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, झारखंड से लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर सर ने मेरी वीडियोस देखी, मेरा गाना उनको पसंद आया, उन्होंने मेरे बारे में ट्वीट किया। मैं सचिन तेंदुलकर सर का मैं दिल से आभारी हूं। दिवस, आपकी दिवाली कैसे जा रही है? सच्ची बताओ। दिवाली सर, आज का दिवाली सर मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवाली सर आप लोगों के साथ है। सर मैं सच कहूँ तो जब भी फेस्टिवल का बात आता है तो सर रोना था। कभी मैं 6 साल से कभी मैं कोई फेस्टिवल मनाया ही नहीं। बिल्कुल 6 साल से मैं घर से बाहर रहा, कोई भी फेस्टिवल रहा तो मुझे पता ही नहीं चला। दिवाली भी होती थी, उसके फटाके का आवाज सुनता था तो मैं कैंटीन में ही काम करता रहता था। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर जाएं, दिवाली मनाएं, और दिवाली का मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रही हूँ। जाकर दिवाली मनाइए। और my God. जरूर जाइए और सबके लिए मिठाइयाँ, कपड़े सब लेकर जाइए और फ्लाइट में जाइएगा। छोटे शहर से आने वाला हर इंसान मुंबई की ओर अपने बड़े ख्वाब पूरा करने आता है, और अपने ख्वाबों को सच करने के लिए दिवस भी मेहनत मजदूरी करने के बाद अब अपने हुनर के बल पर किस्मत का तारा चमकाना चाहता है। कैसी लगी आपको दिवस की ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।